नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंचल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे शिवालिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में और उससे जुड़ी सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल क्या है, यहाँ पे आईपीओ की कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल के अंदर देखेंगे। ये कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे DRHP पहले ही फाइल कर चुका था और अभी यहाँ पे इनको सेबी की तरफ से नॉड मिलते हुए देखने मिलता है आईपीओ लाने के लिए। तो फिर ये आईपीओ शायद जल्दी यहाँ पे आ सकता है, तो इस वीडियो में यहाँ पे एंड तक जरूर बने रहेगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी का अगर यहाँ पे बात करें तो कंपनी ये 2007 के अंदर फॉर्म हुई थी और ये लार्जेस्ट फाउंड्रीज इन इंडिया है। फाउंड्रीज की अगर बात करें तो जो मेटल्स होता है, मेटल को पिघल के वहां पे जो चीजें बनाई जाती है उस टाइप की जो फैक्ट्रीज होती है उसे हम फाउंड्रीज कहते हैं। और यहाँ पे एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड इन कास्टिंग सॉल्यूशन फॉर अ डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्री। इनका जो मेन जो कारोबार है, इनकी जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे कास्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर है और ये कास्टिंग प्रोडक्ट्स काफी सारी इंडस्ट्री के लिए बनाते हुए देखने मिलते हैं। और इनके पास यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट फाउंड्रीज इन इंडिया इनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी कोर स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसे हमने बात करी, इनके पास रेंज ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे वेरियस इंडस्ट्री को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसकी की इंडस्ट्री सर्विस की यहाँ पे बात करें कि कौन सी इंडस्ट्री को लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें यहाँ पे ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, रेलवे को, ऑफ हाईवेज को, वाटर वर्क्स को और जनरल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री के अंदर ये अपना कास्टिंग का जो भी प्रोडक्ट्स है और जो फाउंड्री से जो चीज़ें बनती है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने मिलती है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे किस टाइप के ये प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कैपेसिटी की अगर बात करें तो इनकी 8000 प्लस मैट्रिक टन की यहाँ पर मंथ की यहाँ पर कैपेसिटी हमें देखने मिलती है। अगर यहाँ पर टीम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इनके पास 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हमको देखने मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय इन्होंने हायर करके रखे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ईयर्स इन ऑपरेशंस तो यहाँ पे 17 साल से ज़्यादा का इनको एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए देखने मिलता है। इसके अलावा की सेगमेंट की यहाँ पे बात करें तो ये लोग एंड टू एंड कास्टिंग का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे देखा कि ऑटोमोबाइल कास्टिंग्स के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर कास्टिंग यानी जैसे कि ट्रैक्टर या ट्रैक्टर के कॉम्पोनेंट्स के प्रोडक्ट, रेलवे और मेट्रो के जो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें स्पेशलाइज कास्टिंग की जरूरत पड़ती है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो वो भी प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए देखने मिलते हैं। इसके अलावा वाटर वर्क्स एंड पाइप फिटिंग के लिए जो डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग चाहिए उसके लिए भी जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करते हुए देखने मिलती है। ऑफ हाईवे कास्टिंग की जो भी जरूरत पड़ती हैवी ड्यूटी व्हीकल के लिए तो उसके लिए भी ये लोग प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके प्रोडक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये इसके जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है, इसको बनाना काफ़ी हार्ड होता है। तो इसको यहाँ पे कास्टिंग की प्रोसेस से बनाया जाता है जिसके अंदर एक बेस बनता है, उसके अंदर यहाँ पे मेटल को पॉर किया जाता है, फिर बेस को यहाँ पे ऊपर से हटा दिया जाता है और फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाले प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो यहाँ पे इस रिस से बनते हुए देखने मिलते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लिकेट प्रोडक्ट है उसमें इनकी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने मिलती है। तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, इसके अलावा जो ट्रैक्टर के पार्ट्स है ये आप देख सकते, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे पार्ट्स हमें बनाते हुए देखने मिलती है। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको पता चल गया होता है कि कंपनी यहाँ पे एग्जैक्टली करती क्या है। तो चलिए यहाँ पे हम आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। आईपीओ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो फ्रेश इशू रहने वाला है वो 335 करोड़ का फ्रेश इशू हमें यहाँ पे देखने मिलेगा और जो ऑफर फॉर सेल है उसके अंदर यहाँ पे 41,30,000 इक्विटी शेयर्स हमें यहाँ पे ऑफर किए जाने वाले हैं और जिसकी यहाँ पे फेस वैल्यू ₹5 रखी गई होगी। यहाँ पे जो टोटल इश्यू साइज़ है वो भी हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे DRHP में सिर्फ यहाँ पे फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल की बात की गई है। ऑफर फॉर सेल में कितने शेयर यहाँ पे सेल किए जाएंगे वो यहाँ पे डिटेल हमें देखने मिल रही है। इसके अलावा 335 करोड़ का फ्रेश इश्यू होगा वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। तो टोटल इश्यू साइज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और या फिर यहाँ पे 500,000 करोड़ के आसपास भी हो सकता है। फिर वो यहाँ पे देखना इंपोर्ट होगा यहाँ पे कितने करोड़ का ये इश्यू साइज़ रहने वाला है, पर यहाँ पे इनको सेबी की तरफ से नॉट मिल गया तो आने वाले टाइम में इसका इन्फॉर्मेशन हमें जल्दी आते हुए देखने मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो इनके जो प्रमोटर है वो गिरिराज सिंघानिया और रघुवेंद्र सिंघानिया इनके प्रमोटर हमें देखने मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑफर फॉर सेल की यहाँ पे बात की जाए तो गिरिराज सिंघानिया जो इनके प्रमोटर है वो यहाँ पे 1,200,000 शेयर्स यहाँ पे बेचते हुए देखने मिलेंगे और राघवेंद्र सिंघानिया है वो भी यहाँ पे 1,200,000 शेयर्स यहाँ पे बेचते हुए देखने मिलेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक है यानी पंकज शर्मा, नवीन कुमार नगवानी, विशाल शर्मा, ध्रुव कुमार नगवानी, पदम कुमार नगवानी, मोहित शर्मा, ये सब लोग भी यहाँ पे अपना यहाँ पे स्टेक सेल करने वाले जो इनके पास है उसमें से। इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं फाइनेंशियल डेटा के बारे में। फाइनेंशियल डेटा हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 2021 से लेकर 2023 के 9 मंथ तक का डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जिसके अंदर टोटल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और एसेट्स हमने यहाँ पे उठाए यहाँ पे DRHP में। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी पर हमने यहाँ पे जो मेन जो तीन चीज़ें वही यहाँ पे उठा के आपको बता रहे हैं।
यहाँ पे हम देख सकते 2021 के अंदर इनका जो रेवेन्यू था वो यहाँ पे 188.89 करोड़ था, जो यहाँ पे बढ़कर 313.26 करोड़ होते हुए देखने मिला। उसके बाद 2023 के अंदर 552.34 करोड़ का इनका रेवेन्यू पहुंच चुका था। उसके बाद यहाँ पे 521.50 करोड़ का 9 मंथ का हमें रेवेन्यू देखने मिलता है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था 2021 में। अप्रोक्सीमेटली ये न्यूट्रल थी कंपनी प्रॉफिट कमाने के अंदर, पर उसके बाद यहाँ पे 4 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने मिला। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे जंप आके 26 करोड़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिला। और यहाँ पे 9 मंथ की अगर डेटा की बात करें तो 55.64 करोड़ का फिलहाल में 9 मंथ के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिल रहा है। अगर टोटल एसेट की बात की जाए तो 187 करोड़ के इनके एसेट्स थे, जो यहाँ पे बढ़कर 190 करोड़ होते हुए देखने मिले। इसके बाद 335 करोड़ और पर फिलहाल में अभी जो इनके एसेट्स है वो यहाँ पे 398 करोड़ के हमें यहाँ पे एसेट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे जंप हमें देखने मिला था। 2021 से 2023 में ले तो काफ़ी बड़ा जंप हमें देखने मिलता है, पर ऐसे नॉर्मल भी देखने जाए तो अच्छा जंप हमें देखने मिलता है। रेवेन्यू के अंदर भी देख सकते हैं 188 करोड़ से यहाँ पे 521 करोड़ का हमें 2 साल के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने मिला, लगभग यहाँ पे डबल से ऊपर हमें होते हुए देखने मिल रहा है। एसेट्स भी यहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग इन्होंने डबल करते हुए देखने मिलते हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इसको यहाँ पे किस रीत का रिस्पांस मिलता है। अगर यहाँ पे हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू की, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है, जो यहाँ पे एक सोलर पावर प्लांट लगाने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो एक्सपांशन ऑफ एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसके लिए यहाँ पे इनको जरूरत है। अभी जो फिलहाल में जो इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर भी लोग एक्सपांशन करने की सोच रहे हैं, और जो बाकी का बचा पैसा होगा वो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में हमें यूज़ होते हुए देखने मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें बुक लीडिंग रनिंग मैनेजर की, तो वहाँ पे एक्सिस कैपिटल और IIFL सिक्योरिटी इन्होंने चूज़ किया है। ये इनके IPO की प्रोसेस संभालने वाले हैं, और वहीं इनके जो रजिस्ट्रार है वो यहाँ पे बिग शेयर रहने वाले, तो बिग शेयर यहाँ पे अलॉटमेंट की प्रोसेस करने का और रिफंड की प्रोसेस करने का काम हमें करते हुए देखने मिलेगी। तो आने वाले टाइम में देखना है पे इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से यहाँ पे किस रीत का इनको रिस्पांस मिलता है, और आने टाइम में ये लोग कब IPO लेके आते हैं। अभी IPO के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा IPO में देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने भी कई सारे यहाँ पे वीडियो को कवर किया है, जिसके अंदर जिसने भी यहाँ पे DRHP फाइल किया उन सब IPO के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स कवर करी है। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा था, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।